ओम शांति। आज आपका 160वें दिन का ईश्वरीय वरदान, और इसके पहले कि हम वरदान में विस्तार में चले, ये ऊपर का जो लिंक दिखा रहा है ये आपको फिटनेस, योगासन, डाइट और स्लीप के बारे में सब कुछ बताएगा डिटेल में, सो जरूर देखिए इस पे क्लिक करके। तो आज के वरदान में आगे बढ़ते हैं। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम जिम्मेवार बने, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ताकि हम कोई भी कर्म करने से पहले ये सोचें कि आगे भविष्य कैसा होगा उसके द्वारा, और हमारे तीनों काल जो परमात्मा ने बताए हुए हैं अगले जन्म तक का उसका असर पड़ता है हमारे अभी के कर्मों के ऊपर, तो वो सब कुछ ध्यान रखते हुए देखें आज परमपिता परमात्मा हमें सिखाते क्या हैं। बाबा कहते हैं, स्वयं को जिम्मेवार समझ कर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले, यथार्थ मतलब ट्रुथफुली, सच्चे तरीके से करने वाले, क्योंकि जिम्मेवारी है बहुत बड़ी वाले, संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव, तभी जाकर के सिद्धियां मिलती हैं, प्राप्तियां होती हैं, हर प्रकार की मन बुद्धि की भी प्राप्तियां, शक्ति जो बढ़ती है वो भी एक प्राप्ति है, सिर्फ धन संपत्ति प्राप्ति होना ही प्राप्ति नहीं है। तो मन बुद्धि में जो विल पावर बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है, उसके बाद में आपकी आत्मा बल बढ़ता है, ये सब कुछ भी एक प्राप्ति ही कहलाते हैं परमात्मा। विस्तार में चले, इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। मतलब परमात्मा पिता ने हमें सिखाया है ब्रह्म कुमारी इसमें कि ये 5000 वर्ष का ये एक साइकिल है, जिसमें कि हम आत्माएं आती हैं, जन्म लेती हैं कई सारे, उसके बाद में फिर शरीर छोड़कर के सारी की सारी आत्माएं परमधाम वापस परमात्मा के घर लौट जाती हैं। इसको हम परमधाम कहें, चाहे उसको हम देवलोक कहें, आप जो भी कहना चाहें उसको, चाहे आत्मा जगत कहें, परमात्मा पिता के पास वापस जाना सबको है। तो परमात्मा पिता कहते हैं कि ये चक्र में आना जाना तो आपका लगा रहता है, मेरे को तो आना जाना नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जब फिर से आना है वापस जाकर के, तो उसके लिए ध्यान दीजिएगा कि अगले जन्म के लिए अभी ही कर्म अच्छे करके जाने हैं हमें। तो बाबा कहते हैं, इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है, एक लॉ बन रहा है। अगर आप क्रोध करते हैं तो भी एक लॉ बन जाता है, अगर आप अहंकार दिखाते हैं लॉ बन जाता है, हम जो अभी करते हैं वो हमें संस्कार बन करके हमारे पीछे पीछे परछाई की तरह हमारे साथ में आते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि हमारे कैसे संस्कार बन रहे हैं, कमजोर की शक्तिशाली संस्कार बन रहे हैं, क्योंकि वो हमारे साथ जाएंगे। ये शरीर यहीं रह जाएगा, ये धन दौलत जो भी आप कुछ देख रहे हैं अपने आसपास आंखों से, सब कुछ यहीं रह जाएगा, आपके साथी संबंधी भी चेंज हो जाएंगे। वो तो कुछ समय के लिए इस जन्म में साथी संबंधी हैं, उनको आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते, धन संपत्ति के पीछे पड़ पड़ के आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते, क्योंकि अंतिम संस्कार आत्मा के होते हैं। अंतिम संस्कार मतलब जलाना नहीं, अंतिम संस्कार मतलब मेरे अंदर क्रोध का संस्कार है कि नम्रता का संस्कार है, मेरे अंदर सहनशीलता का संस्कार है कि मेरे अंदर इरिटेट होने का संस्कार है, मेरे अंदर मधुरता का संस्कार है कि मेरे अंदर कड़ापन, कड़े शब्द बोलने का संस्कार है। ये सारी चीजें आत्मा अगले जन्म लेके जाती है, जो कि विधान, एक लॉ बन जाता है। आप अपना ही लॉ लिख रहे हैं अपने जीवन का। तो बाबा कहते हैं ये संगम युग है, जहाँ पर परमात्मा का हम आत्माओं के साथ में संगम होता है, तब जाके हमें शक्ति मिलती है कि हम अपने अंदर की कमजोरियों को हटा पाएं और परमात्मा के दिए हुए गाइडेंस और डायरेक्शन के हिसाब से अपने कर्मों को सुधार पाएं, ताकि हमारा भविष्य इस जन्म का ही नहीं केवल अगले कई जन्मों का हमारा इम्प्रूव हो पाए। तो फिर आगे बढ़े, बाबा कहते हैं, तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। कोई अगर एक लॉ की बॉडी होती है, लॉयर्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनको पता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी पता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, एक लॉ लिखा जाता है कि नागरिकों को क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या फॉलो नहीं करना है, तो वो अगर विधान के विपरीत जाएंगे तो भविष्य क्या होगा? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। वैसे ही हम भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझें तो जा करके परिवर्तन आए हमारे अंदर। तो स्वयं को विधान के रचयिता, मतलब लॉ के रचयिता, एक तो गवर्नमेंट का लॉ हो गया, और एक हो गया पूरी कंट्री का लॉ हो गया, और एक हो गया कर्म करने का लॉ क्या है, सोचने का लॉ क्या है, बोलने का लॉ क्या है, देखने का लॉ क्या है, खाने का लॉ क्या है, सुनने का लॉ क्या है। परमात्मा कहते हैं ये अगर लॉ सारे ठीक हो जाएं तो सारी आत्माओं के जीवन में सुख शांति आ जाए और आगे जो भविष्य बनने वाला है वो भी बहुत सुंदर बन पाए। फिर बाबा कहते हैं, इससे अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है
तो कल कर लेंगे, आलस्यपन अलबेलापन परसों देख लेंगे, सब कुछ खत्म हो जाता है। आप फटाफट उठते हैं, जैसे कि अगर आपको फ्लाइट पकड़नी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो क्या हो जाता है, सुबह 3 बजे उठना 4 बजे उठना कितना आसान हो जाता है। लेकिन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही ना हो, तो फिर उस समय आराम से उठेंगे। तो परमात्मा कहते हैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर कि लोग आपको देख रहे हैं। जैसे कि माता पिता को बच्चे कॉपी करते हैं घर में, माता पिता अगर क्रोध करते हैं तो बच्चे भी क्रोध करना शुरू करते हैं, माता पिता अगर अहंकार करते हैं तो बच्चे भी अहंकार करना शुरू करते हैं, माता पिता अगर ईर्ष्या दिखाते हैं, नफरत दिखाते हैं, घृणा दिखाते हैं औरों के प्रति आपस में बात करते हुए, तो बच्चे भी उस चीज़ को कैच करते हैं और उसको एक संस्कार बना लेते हैं। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोचिए आप। उसी तरीके से आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको भी देखने वाले बहुत लोग हैं, आत्माएं हैं, चेक कर रहे हैं आपको कि आप कितने परमात्मा के अनुसार चल रहे हैं। तब जाकर के आपका घर शांत होगा, सुखी होगा, आप सब स्वयं परमात्मा के दिए हुए डायरेक्शन पर चलेंगे, तो उसका असर आपके घर पे भी पड़ेगा। फिर परमात्मा कहते हैं, संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा हैं। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रह्मा कुमारी इसमें परमात्मा पिता ने बोला है कि आप एक रचयिता हो, सुबह से लेकर शाम तक जो भी आप करते हो, जो भी कर्तव्य करते हो, अगर आप लोभी होकर के रहते हो, अहंकारी होकर के रहते हो, ईर्ष्या घृणा दिखाने वाले रहते हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। वो आप औरों को भी सिखा रहे हो, वो वाइब्रेशंस फैला रहे हो, जिस कारण से वो सब कुछ लौट करके किसके पास आएगा, अपने पास। और वो संस्कार के जो कर्म होते हैं वो एक छाप बस जाते हैं आत्मा के ऊपर, और वो अगले जन्म तक जाते हैं, क्योंकि अगले जन्म में ब्रेन तो जाने नहीं वाला है आपका, ना आपका ये शरीर जाने वाला है, तो जाएगा कौन, आप आत्मा और मैं आत्मा अगले जन्मों में जाएंगे। तो उसका ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वो छाप किस प्रकार की पड़ रही है हमारे ऊपर कर्मों की, क्योंकि गुप्त तरीके से आपके अंदर भी चित्र है, आपको पता है आपने क्या क्या किया है। मैं आपके अंदर झांक के नहीं देख सकता, आप मेरे अंदर झांक के नहीं देख सकते, लेकिन आत्मा को अपने अंदर पता होता है उसने 10 साल पहले 5 साल पहले कर्म क्या किए, तो वो छाप लेके हम अगले जन्मों तक जाते हैं, उससे कोई छूट नहीं सकता। तो परमात्मा कहते हैं, संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा हैं। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। अगर जिम्मेवारी लेके कर्म करेंगे तो ऑब्वियसली जो भी हमें प्राप्ति होनी है, चाहे वो धन दौलत की प्राप्ति हो, चाहे नाम मान की, वो तो होनी ही होनी है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे ऊंची प्राप्ति क्या होगी, आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी, वो सबसे ऊंची प्राप्ति है। धन दौलत इंसान छीन सकता है, लेकिन अगर किसी ने आपकी हिम्मत छीन ली, अगर किसी ने आपका सुख चैन छीन लिया, किसी ने आपका आत्मबल छीन लिया, तो वो सबसे बड़ा नुकसान होता है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज के बारे में कि हम विधि विधान के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो ये आज का ईश्वरीय वरदान, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली, रिस्पॉन्सिबल आत्मा हूँ मैं इस संगम युग की, ये सोच करके आगे बढ़ें। इसके साथ आपको आज का दिन बहुत शुभ हो। ओम शांति।